Hey guys, what is up? It's Ashfaq here. Welcome back again to the new episode of Ark Survival Evolved. तो last video में हम लोगों ने ये base को बनाया था और इस base को बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे fencing के fencing और वो dino gate भी लगा दिया है ताकि जब हम इसमें अपने dino को ला कर रखें तो किसी भी चीज़ का हमें खतरा ना हो। तो मैंने अंदर पूरे जो है वो यहाँ खिड़की उड़की और दरवाजे वरवाजे भी लगा दिए हैं और अपना वेट भी अभी अच्छा खासा हुआ है जिससे कि हम अभी तेज नहीं चल पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है मेरा दो वो जो डाइनो गेट जो कि खुलता है तो काफ़ी अच्छा साउंड करता है और बंद होने के वक्त भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है। ये ऐसा लगता है कि मतलब किसी किला का गेट खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने एक वो जनरेटर लगाया था, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि ऑन होते हैं एक अजीब साउंड करता है। इससे हम लोग अपने यहाँ जो लैम्प पोस्ट को है हम लोग इसे जलाने वाले हैं जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में इसको हम लोग उपयोग में ले लें। तो अभी अपने पेट्राडोन को हम लोग बुलाते हैं और चलते हैं अपने पुराने वाले बेस पे क्योंकि वहाँ से हमें जो वो वहाँ से अपने डाइनो को ले कर और यहाँ तक आने का है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। शिट, इधर इस डायरेक्शन में जाना है हमको। ज़्यादा दूर तो वैसे है नहीं, यहाँ से यहाँ तक आना जाना तो ज़्यादा दूर है नहीं। ये सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट पड़ता है और मेरा पुराना वाला बेस सिर्फ यहीं पे है। ऑल राइट, तो अभी हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले बेस पे। ऑल राइट, तो सर अभी हम लोग आ चुके हैं अपने पुराने वाले बेस पे और अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली अभी सिर्फ हम लोग ये जो मेरे दो ऊपर फ्लायर्स हैं हम लोग इनको ले जाने वाले हैं आस्ते आस्ते और फिर राफ्ट बना के और सबको लेके जाएंगे। अभी देखते हैं कि कैसे क्या करना है हमको और देखते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैंने प्लानिंग और ये डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे अपने मतलब इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक हमें कैसे लेके जाना है। सबसे पहले ये जो मेरे उड़ नहीं सकते हैं जितने ये मतलब ग्राउंडेड फ्लायर मतलब ग्राउंडेड जितने मेरे डायनोसॉरस हैं सबसे पहले हम इनको ले जाने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नदी पार करना पड़ेगा इनको ले जाने के लिए जो कि ये पूरा समुंदर है। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ और जो शार्कों का उसका खतरा बना रहता है और वो हमें मार सकते हैं। तो अभी मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत से मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत से इनको मैंने टेम किया है। काफ़ी अच्छे लेवल के, एक 30 का है, एक 22 का है और 150 का है, 153 का है। तो मतलब कि हम अभी रिक्स बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राफ्ट बनाने वाले हैं और राफ्ट पे इन सबको हम लोग लेके चलने वाले हैं। शायद से राफ्ट पे वो अटैक ना करे और हम बच जाए। राफ्ट बनाने के लिए हमको 75 हाइड, 125 फाइबर और 250 वुड की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक मेरे पास ये सब होगा, वुड फाइबर और हाइड मेरे पास भर भर के पड़े होंगे इस घर में। तभी हम लोग सबसे पहले राफ्ट को बना लेते हैं और फिर इसमें तो फाइबर इसमें पड़ा हुआ है, इसमें से फाइबर तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। लैम्प पोस्ट इसमें से निकाल के रख देते हैं, स्टोन निकाल के रख देते हैं, नार्को बेरी जितने भी बेरी है मतलब फेंस और पिलर वगैरह हम सब निकाल के रख देते हैं ताकि मेरा जो वो है वो खाली रहे। मेरे पास अभी हाइड का कमी है तो इसमें है हाइड, इसमें से हाइड निकाल लेते हैं हम। हाइड भी मेरे पास हो गया, वो फाइबर भी हो गया, अब बचा है सिर्फ वुड। वुड का मेरे पास कौन सा है, वुड का आई थिंक ये होना चाहिए, नहीं ये वुड का नहीं है, वुड का इधर कहीं होना चाहिए, या वुड का यहाँ पे है, वुड और फाइबर का ये है। ऑल राइट, तो हम तलवार निकाल लिया। ऑल राइट, तो यहाँ पे वुड भी 250 लगभग 250 वुड पड़ा हुआ है तो इसमें से वुड भी हम निकाल लेते हैं, 300 वुड भी निकाल लिए। ऑल राइट, तो अभी मेरा पूरा जो शरीर है वो फुल हो गया है, हम अभी हिल भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग राफ्ट को यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। राफ्ट किधर गई, राफ्ट को क्राफ्ट कर लेते हैं ताकि हम अपने जानवरों को वहाँ पे इजीली वहाँ यहाँ से वहाँ तक लेके जा सके। क्राफ्ट वन। ऑल राइट, तो अभी राफ्ट बन के रेडी होगा कुछ ही देर में। काफी समय लग रहा है राफ्ट को बनने में, इतना समय किसी भी चीज को बनने में नहीं लगता है। लेट्स गो। ऑल राइट, तो ये अभी तो राफ्ट बन चुका है लेकिन मेरा इतना वजन नहीं है ताकि हम उसको लेके और वहां जाके पानी में प्लेस कर सके। तो सबसे पहले हम इसमें जो वुड और हाइड और फाइबर निकाले थे उसको यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। फिर भी शायद से नहीं हो पाया, इलेक्ट्रिक केबल मेरे पास काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, 95 पड़ा हुआ है, एक लूट में मिला था हमको। ऑलराइट, तो उसको भी निकाल के रख दिए हैं। तो अभी तो मेरे पास बहुत ज्यादा जगह हो गया, तो हम अपने राफ्ट को यहाँ पे लगाने वाले हैं।
ऑल राइट right, तो अभी राफ्ट राफ्ट यहाँ पे लग गया और अभी हमको तो वहां से अगले बारी जब हम आएंगे तब अपना सामान लेके जाएंगे। अभी 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 सिर्फ हम अपने जानवरों को वहां पे लेके जाने वाले हैं, इतने में तो शायद से सब आ ही जाएंगे। ऑल राइट right, तो ये तो काफी अच्छा है। तो सबसे पहले हम अपने कार्निवोरस को उस पे चढ़ाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं चढ़ पाता है या नहीं। उसके बाद से फ्लायर को हम आएंगे तो साथ में उड़ा के लेके जाएंगे। लेट्स गो। चढ़ तो गया लेकिन सिर्फ एक जानवर का और जगह बचा हुआ है जो कि ये है। इसका काफी ज्यादा ये हो गया, लेवल बढ़ गया ट्राइक का। ओ भाई ट्राइक मेरे बहुत काम का है, ट्राइक मेरे बहुत काम का है। ऑल राइट तो चढ़ जा, लेट्स गो। ट्राइक भी इस पे चढ़ चुका है। अभी हम इसको जो मेरा पेट्राडॉन है इसको अभी हम फॉलो करने के लिए बोल देते हैं। ऑल राइट तो ये उस बेस तक हमको फॉलो करते करते जाएगा, हमको फॉलो करते करते जाएगा और हम इन लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे रिवर से। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। राइट तो अभी पास वाले जो ये था वहां पे आके ये रुक गया मेरा राफ्ट, पता नहीं वहां पे ये जा क्यों नहीं रहा है। अभी अभी हम करने वाले हैं इसको नीचे उतारने वाले हैं हम लोग राफ्ट से। अभी इसका फिर वजन लेवल एक बढ़ गया, फिर हम लोग इसका हेल्थ बढ़ा चुके हैं। अभी ये काफी खतरनाक है इसकी भैंस की। ये कार्बोनेल को उतारते हैं हम लोग यहाँ से। ऑल राइट गाइस तो अभी अपने राफ्ट से हम तो इन लोगों को उतार चुके हैं और अभी हम लोग इन लोगों को नदी पार करवाने वाले हैं। हम अपने फ्लायर पे उड़ के और पार कर लेंगे इन लोगों को, हम फॉलो करने के लिए जो है वो कर देते हैं। अब ये लोग मेरे को फॉलो करेंगे और मैं इस पे बैठ के आराम से ये नदी पार करूँगा तो ये लोग मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। आ जाओ बस अंदर जो शार्क है वो निकल के इन लोगों को ना मार दे। आ जाओ। ऑल राइट इसको कराते हैं हेलीपैड पे लैंड बिहेवियर डिसेल्फ लैंड। कोई तो पीछे लग गया ब्रो, कोई पीछे लग गया। मुझे जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कोई पीछे लग गया है इन लोगों के। ऑल राइट तो सबसे पहले इसको हम लोग सेव करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत है। ये 150 लेवल का है और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं इसको हम मरने नहीं दे सकते हैं। कार्बो जो मेरा कार्बोनिल था उसको तो वो मार दी, जो मछली थी नहीं, मैं मछली कार्बोनिल को मार दिया। ऑल राइट इन लोगों को अपने बेस पे छोड़ते हैं और इसको बिहेवियर जो होता है इसको डिसेबल कर देते हैं फॉलोइंग करना। कार्बोनिल भी मेरा यहाँ पे आ गया। वाह मेरे से राजा बोला ना कि जैसे कि जो शार्क होती है वो अटैक करती है इस पे, बिहेवियर होता है डिसेबल फॉलोइंग। ऑल राइट तो अभी हम लोग गेट बंद करते हैं और गेट बंद हो गया। अब ये दोनों मेरे यहाँ पे ये सेफ हैं। अब हम चलते हैं जो वहाँ पे बचे हैं उन लोगों को लाने के लिए। ये लोग मेरे को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने वो कर दिया ना। अब हमको राफ्ट भी लेके चलना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऑल राइट तो अपने राफ्ट को मोड़ते हैं और जल्दी से चलते हैं उधर अपने पुराने वाले बेस पे और वहाँ पे जो एक मेरा है और वो तीनों फ्लायर को यहाँ पे लेके आना है। बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हम। ऑलराइट तभी हम लोग अपने बेस पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है, मतलब कि हम वो उसको लेके जाना है एक जो मेरा पेट्राडॉन है। पेट्राडॉन तो उड़ के आएगा, पेट्राडॉन तो मतलब मेरा उड़ के आने वाला है और जो मेरे ग्रीफिन्स है वो भी मेरे को फॉलो करने वाले हैं, मतलब कि ये लोग मेरे को फॉलो करते करते आएंगे। अभी कुछ यहाँ से हम खाना ले लेते हैं क्योंकि मेरे पे अभी खाना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पे खाना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऑल राइट तो जितना यहाँ पे कुक फूड है हम सारा यहाँ पे अपने अंदर भर लेते हैं जितना भी आ जाए मेरे अंदर। ऑल राइट तो हमने काफ़ी ज़्यादा अभी फूड ले लिया है, अभी हम चलते हैं ऊपर और इन लोगों को हम अपने अपने आप को फॉलो करने को बोल देते हैं।
एक यहाँ पे मेरा ग्रिफिन है जो 156 लेवल का है, और एक है जो मेरा वो है इनेबल फॉलोइंग, इसको भी हम इनेबल कर दिए फॉलो करने के लिए, और इसको भी हम लोग अभी इनेबल कर देते हैं फॉलो करने के लिए। ऑलराइट, तो अभी ये लोग हमको फॉलो करने वाले हैं सब के सब। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। अभी हम लोग ये पूरा भसड़ मचाने वाले हैं। अभी तो इसको राफ्ट पे बैठाते हैं ड्राइव। अबे भाई हमको राफ्ट भी चला लेने दो। ऑलराइट, तो अपना राफ्ट लेके हम लोग अभी निकल चुके हैं, हमें जहाँ जाना है उधर। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपना राफ्ट लेके अपने बेस के ऊपर, और अभी देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी जो मैं अपना राफ्ट थी वो यहाँ तो आ चुकी है, और मेरे जितने यहाँ डायनो थे पूरे धूल उड़ाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब इन सबको हम यहाँ पे बैठने के लिए बोल देते हैं, सबसे पहले एक एक करके। लेट्स गो, ये बैठ गया है, और हम लोग इसका बिहेवियर अभी सेट कर देने वाले हैं डिसेबल फॉलोइंग। ऑलराइट, तो ये बैठ गया, अभी हम लोग इसको बैठाने वाले हैं। अभी जो बिहेवियर है हम लोग डिसेबल फॉलोइंग कर देते हैं, और सिर्फ ये महाराज बच गए हैं 23 लेवल के जो है। आप नीचे उतरिएगा सर। हेलो हेलो, इसको इधर दूर लेके आते हैं कि भाई इसकी। आजा 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 ब्रो, इस पे तो बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे को तो। आ गया आ गया। ऑल राइट, तो हम लोग अभी इसको यहाँ, ये तो सीधे ऊपर जाता है, एक टैप करना होगा। ऑल राइट, तो अभी तीनों जो है मेरा यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी हम इन लोगों को एक एक करके यहाँ पे ला के खड़ा कर देते हैं। ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपने सारे डायनोज को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। आज के वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।